तो इस वीडियो में हम करंट लॉ के बारे में, किरचॉफ्स करंट लॉ या सिंपल केसीएल के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है केसीएल? केसीएल बहुत ही प्यारा और सिंपल सा लॉ है। वो बोलता है भाई, एक जंक्शन पर जितना करंट आ रहा होगा किसी समय में, तो उतना ही करंट जा भी रहा होगा। यही जीवन का मूल सत्य है। ठीक है, जो आता है वो चला जाता है। ना कुछ जंक्शन लेकर आया था, ना कुछ जंक्शन लेकर जाएगा। ओके, फन अपार्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ओके, तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया। क्या बोलता है ये? सीधे सीधे सिंपल सा, अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से 4 ओम आया, 4 एम्पियर आया, और यहाँ से 2 एम्पियर आया, तो कुल मिला के 6 एम्पियर चला गया। ओके, और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल देखते हैं। आपको हर एक जंक्शन पर ध्यान देना होगा, ठीक है? हर एक जंक्शन पर नेट करंट का आना बराबर होना चाहिए नेट करंट के जाने के। तो इस जंक्शन पर देखते हैं, 5 एम्पियर आ रहा है, ये सब एम्पियर है, ठीक, और 3 एम्पियर आ रहा है। तो जंक्शन एक्स को जब मैंने बनाया, तो इस वाले जंक्शन पर ध्यान दें, तो 5 आया, 3 आया, तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 8। ये समझ में आ रहा है? ऐसा है जी जंक्शन, 5 3 इधर से, 5 इधर से, तो ऑब्वियसली 8 इधर से जाएगा। अब आते हैं वाई पर। वाई के लिए आपको ये जंक्शन ऐसा दिखना चाहिए, ऊपर से 7 आ रहा है, पीछे से एक्स जो कि 8 हम बता चुके हैं, तो मिलकर 15 जाएगा। तो वाई की वैल्यू हो गई 15। अब आते हैं जेड पर। जेड के लिए आपको ये ऐसा दिखना चाहिए, जेड इधर, वाई 4 इधर, दिस पीछे जा रहा वाई जो कि है 15, इधर से चला गया 4, तो बचा कितना? 11। तो जेड की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये, कहीं आईआईटी में कभी पुराने टाइम पर आया हुआ है। क्या बोलता है? अगर दो इंडिपेंडेंट सर्किट को आप ऐसे जोड़ देंगे, तो एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये जो केसीएल है ये फॉलो नहीं हो पाएगा किसी भी लूप में। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है? तो यहाँ मान लेते हैं करंट वाई जा रहा है, वाई जा रहा है, ऑब्वियसली इधर वाई जाएगा। फिर वाई में से एक्स इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? वाई माइनस एक्स, जबकि हमने तो ये स्टार्ट किया था कि यहाँ वाई जा रहा है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स जीरो हो। ऐसा इस लूप में भी बोल सकते हैं। मान लो यहाँ जेड करंट फ्लो कर रहा है, तो पीछे से भी जेड आ रहा होगा। अब जेड इधर आ रहा है, एक्स इधर आ रहा है, तो पक्की बात है यहाँ एक्स प्लस जेड होगा। एक्स प्लस जेड जेड तो हो नहीं सकता, वो तभी हो सकता है जब एक्स जीरो हो। तो बहुत फेमस सिचुएशन है। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये एक सर्किट है, आप ऐसे बैटरी लगा के, या बैटरी ना भी लगाओ, किसी दूसरे उससे जोड़ दोगे, तो इस वायर में पक्की बात है आई विल बी जीरो। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें कुछ रेजिस्टेंसेज हैं, 10 ओम पीछे से आ रहा है। यहाँ दिया है कि भाई 6 ओम चला गया, और यहाँ दिया है 4 ओम, नहीं एम्पियर, 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 6, इधर से 4 जा रहा है, तो एक्स वाई जेड बताने आपको, ठीक है? इस जंक्शन पर अगर हम ध्यान दें, तो 10 आया, 6 इधर चला गया, तो बचा कितना? 4, तो वाई होना चाहिए 4। ओके, इस जंक्शन पर अगर हम ध्यान दें, तो 6 आया, 4 चला गया, तो एक्स होना चाहिए 2। समझ आ रही है? इधर से 2 आया, इधर से 4 आया, तो इधर कुल मिलाकर जाना चाहिए 6, और इधर पर जाना चाहिए 4 ऊपर से 6 नीचे से, तो 10। ठीक है, ध्यान से समझ लो इन सारी वैल्यूज को। ओके, नेक्स्ट, तीनों करंट इस जंक्शन पर जा रहे हैं और कोई भी निकल नहीं रहा, तो पक्की बात है तीनों मिलकर 0 बन रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब कुछ करंट नेगेटिव होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ I1, I2, I3 विल बी नेगेटिव। नेगेटिव करंट होने का मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शंस दिखाई हैं, कम से कम एक की डायरेक्शन तो गलत होगी, मतलब वो एक्चुअल में उसके ऑपोजिट जा रहा होगा। इस टाइप का एग्जांपल हम और क्वेश्चंस में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें।
कई बार नोडल एनालिसिस बोलेंगे इसको। नोडल एनालिसिस में करते हुए हम ये सब करंट को जीरो सम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 15 एम्पियर 5 इधर चला गया, इस जंक्शन पे ध्यान दिया तो ऑब्वियसली 10 बचा, तो 10 एम्पियर एक्स है। फिर यहाँ आया 5 और 5 इधर चला गया, 5 इधर से आ रहा, 5 इधर से आ रहा, तो पक्की बात है ये भी 10 है। और मिला मिलू के सब निकला कितना, 15 एम्पियर वापस चला गया। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे KCL, क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ पर।